इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यालय में चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के हिसार बाईपास रोड पर मौजूद कार्यालय से अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया है, जिसमें लैपटॉप, क्रोकरी, एलईडी टीवी, सीलिंग फैन, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर समेत बाकी सामान शामिल है। इनेलो के हलका अध्यक्ष हरि सिंह के नेतृत्व में शहर थाने में पहुंचकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने पुलिस के नाम शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इनेलो नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र आरोपियों को काबू नहीं किया गया तो इनेलो एसपी कार्यालय का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी तथा 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली रैली में ठप कानून व्यवस्था के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यालय है जो बाईपास पर, वहाँ से हमारे पार्टी के ऑफिस का कुछ सामान चोरी हुआ है, जिसमें एक एचपी का वो अपना लैपटॉप है और एक 42 इंची एलईडी है और एक गैस चूल्हा है, एक गैस सिलेंडर है, क्रोकरी का सामान है और काफ़ी सारी दो पंखे हैं और भी जितने भी दफ्तर के सामान है काफ़ी कुछ लेके गए हैं, कुर्सी भी हैं जिसमें। तो आज हम एसएचओ साहब से मिलने के लिए आए थे इस बारे में कि आज के जो हमारे पार्टी के ऑफिस का सामान ही अगर सुरक्षित नहीं है तो और प्रदेश शहर की क्या मतलब सुरक्षा। अंदर आए दिन चोरी हो रही है, वारदातें हो रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनका किसी और इस और कोई ध्यान नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन हमारे जो इंडियन नेशनल लोकदल के दफ्तर में चोरी हुई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी कितना सुरक्षित है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के ऑफिस से जो भी चोरी हुई है अगर वो समय सामान बरामद पुलिस करे, हमें विश्वास है पुलिस इस सामान को ज़रूर बरामद करेगी। अगर बरामद नहीं करेगी तो थाने के अंदर या फिर एसपी ऑफिस का घेराव किया। चोरों की मानसिकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कार्यालय में लगी पानी की टोटियां तक चुरा ली है। चोरी का पता तब चला जब सुबह 10 बजे पार्टी नेता कार्यालय में पहुंचे। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। अब शिकायत मिलने के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ऑफिस है हिसार रोड पे, हिसार बाईपास पे। यहाँ पे 17 तारीख को बता रहे हैं कि हमने संभाला और आज ये दरखास्त दे के गए हैं कि कह रहे हैं कि एक लैपटॉप, एक एलईडी, दो सीलिंग फैन और एक गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर है, इसका पर्चा दर्ज करके और इसकी कार्रवाई है, वो सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे और संदिग्धों को पकड़ के पूछताछ की जाएगी और जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी कि चोर पकड़े जाएंगे। बहरहाल पार्टी कार्यालय में चोरी की घटना से नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो वो थाने और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।